Do subscribe to Ikeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSE and IIT JEE main and advanced videos. 11 integral 1 dx upon sine of x minus a into cos of x minus b. तो अब अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमें एक फंक्शन साइन है, दूसरा है कोसाइन है. तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इफ डिनोमिनेटर कंटेन वन साइन फंक्शन एंड अदर कोसाइन फंक्शन, इसका मतलब है दोनों फंक्शन अगर डिफरेंट है तो हमें कॉस बी माइनस ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी राइट हियर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बी माइनस ए. सो इज इक्वल टू 1 upon cos b minus a integral cos b minus a. So integral cos b minus a dx upon साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी. सो इज इक्वल टू अभी वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक बी माइनस ए इंटीग्रल कॉस. अब b माइनस ए को हम कैसे लिखेंगे तो x माइनस ए फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस x माइनस b सेकेंड ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट क्लोज अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी. ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन फाइनली इनटू डीएक्स. उसके बाद ऑब्जर्व किया तो अब न्यूमरेटर जो है वो हो गया हमारा ऑफ द टाइप कॉस ऑफ ए माइनस बी. तो कॉस का फॉर्मूला क्या आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. तो यहाँ पे सेक बी माइनस ए कॉन्स्टेंट टर्म है वी राइट एज इट इज. उसके बाद इंटीग्रल अब न्यूमरेटर में होना चाहिए कॉस ए इट मीन्स एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी उसका मतलब हो गया कॉस एक्स माइनस बी और मिडल साइन माइनस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी. इंटू डी एक्स अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी. सो उसके बाद हम क्या करेंगे सेपरेट डिवीजन. सो सेक ऑफ बी माइनस ए वी राइट एज इट इज. उसके बाद इंटीग्रेशन
सेपरेट डिवाइड करते तो हमें क्या मिलना चाहिए, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। उसके बाद प्लस, अब सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए, साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हैं एंड इंटू डी एक्स, सो इज इक्वल टू सेक ब्रैकेट बी माइनस ए देन इंटीग्रल। अब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स माइनस बी कैंसल हो रहा है फ्रॉम नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो वी गेट कॉस अपॉन साइन कॉट कॉट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सेकेंड टर्म को हमने ऑब्जर्व किया तो साइन एक्स माइनस ए एंड साइन एक्स माइनस ए नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है तो रिमेनिंग जो टर्म है वो है साइन ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन, तो इसका हमें आंसर मिल गया टैन ऑफ एक्स माइनस बी। फिर पूरा ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं और इनटू डीएक्स, सो फाइनली हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा इज इक्वल टू सेक ब्रैकेट बी माइनस ए इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉट, कॉट का इंटीग्रेशन आता है लॉग मॉड साइन ऑफ एक्स माइनस ए ब्रैकेट कंप्लीट मॉड कंप्लीट प्लस टैन, टैन का इंटीग्रेशन आता है लॉग मॉड सेक ब्रैकेट एक्स माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट एंड फाइनली वी राइट प्लस सी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर लॉग रूल अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, सो इज इक्वल टू सेक ब्रैकेट बी माइनस ए वी राइट एज इट इज इनटू लॉग मॉडुलस साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू सेक एक्स माइनस बी फिर मॉड कंप्लीट एंड फाइनली वी राइट प्लस सी, सो इज इक्वल टू सेक बी माइनस ए इंटू लॉग मॉड। अब यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए वी राइट एज इट इज और बाजू में जो फंक्शन है सेक एक्स माइनस बी वो कंसीडर एज अ सेक थीटा बाय अप्लाइंग ट्रिगो फॉर्मूला, सेक मीन्स वन अपॉन कॉस, तो ये हो गया इंटू वन अपॉन कॉस ब्रैकेट एक्स माइनस बी मॉड कंप्लीट प्लस सी, सो इज इक्वल टू सेक बी माइनस ए इंटू लॉग मॉडुलस। अब साइन अपॉन कॉस क्या होगा, नो वी राइट
साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस बी एंड प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल 1 डीएक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, और उसका आंसर आया सेक बी माइनस ए इंटू लॉग मॉड साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस बी मॉड कंप्लीट प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब आगे हम और एक एग्जांपल देखते हैं रिलेटेड टू सेम टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन